गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे मॉर्निंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और किस तरह के विचार इस पर्सन के दिल में दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके फर्स्ट, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। आप इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपको लेकर क्या है, तो ये रीडिंग आप उस इंसान के लिए भी देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यह हमने आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं और उस इंसान की सोच को, उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को क्लियर यहाँ पर बता रहे हैं। ये कार्ड्स एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ को बता रहे हैं जो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स के कार्ड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भी इंसान है, इस पर्सन पर काफ़ी बर्डन है। ये पर्सन रिश्ते बनाने में विश्वास करते हैं। इस पर्सन ने आपके और इनके रिश्ते को भी बहुत प्यार से बनाया है। इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स, जो प्यार हैं, आपको पता है कि कितना प्यार ये पर्सन आपसे करता है, पर आप कहीं ना कहीं ये देखकर भी चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि इतना प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करते। क्या है वजह इस पर्सन के ट्रस्ट ना करने के पीछे? तो आप ये बात जानना भी चाहते हैं। आपने कई बार अपने पर्सन से ये जानने की कोशिश की है, पर आपका पर्सन आपको बताकर ही नहीं देता। यानी कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते आप पर, और जिसकी वजह से आपको इस पर्सन से बहुत सारी शिकायतें भी हैं, और ये शिकायतें ये पर्सन दूर भी नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि कम से कम ये पर्सन आपको बताए तो कि क्या है वजह कि ये पर्सन आप पर शक करते हैं और ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन को आप पर विश्वास ही नहीं है। तो छोटी छोटी बातों पर इस पर्सन का रूठ जाना और आपके मनाने पर भी ये पर्सन बहुत वक्त लेते हैं मानने में, और ऐसा इसलिए ये पर्सन कर रहे हैं क्योंकि ये खुद किसी अदर पर्सन में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं ताकि आप इस पर्सन से कोई सवाल ना कर सकें, इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देना पड़े। इसलिए पर्सन आप पर शक कर रहे हैं, ऐसा शो करने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं है। और अक्सर ये देखा भी गया है कि जब कोई इंसान ख़ुद ट्रस्ट के काबिल नहीं होता ना, तो वो दूसरों पर भी इजीली ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से वो दूसरे के साथ चीटिंग कर रहा होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई अदर पर्सन भी उसके साथ चीटिंग कर रहा है। तो इस तरह के वहम, इस तरह के विचार उस इंसान के मन में आने लगते हैं। इसी तरह आपके पर्सन के मन में भी ये विचार आ रहे हैं क्योंकि आपका पर्सन ख़ुद आपको चीट कर रहा है। एक तरफ ये पर्सन आपके साथ मज़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ थर्ड पार्टी के साथ मौज कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है, इस पर्सन का चाइल्डहुड फ्रेंड है, कोई ना कोई चाइल्डहुड से नाता रखता है, ऐसा लग रहा है। आप इस पर्सन के साथ जब से रिलेशनशिप में आए हैं, आपके साथ ये पर्सन इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे कि इस पर्सन की लाइफ में कभी कोई नहीं रहा। इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड की हैं, आपको अपने बारे में बहुत कम बताया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस इंसान के साथ ये पर्सन इस वक्त नज़र आ रहे हैं, उस इंसान के बारे में शायद आप नहीं जानते। ये पर्सन आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कभी इस पर्सन को किसी से प्यार नहीं हुआ, और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये पर्सन तो शायद आपको ऐसा ही शो कर रहे हैं कि आप इस पर्सन का फर्स्ट लव हैं, पहला प्यार हैं। पर यहाँ पर ये पर्सन पहले ही किसी और को अपने दिल में बसाए हुए हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को छोड़कर वो इंसान ही चला गया हो, उस इंसान ने इस पर्सन को चीट किया है और अब रिटर्न इस पर्सन की लाइफ में वापस आया है। जब से ये पर्सन आपसे खींचे खींचे से रहने लगे हैं, आपसे इस पर्सन ने दूरियां बढ़ानी स्टार्ट कर दी हैं, आप पर ही शक करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स हैं ना, वो यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के कार्ड हैं, और थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर। इस पर्सन ने जब आपको अपना प्यार ऑफर किया था, तब ये पर्सन आपको किसी सेलिब्रेशन के दौरान मिला था, वहाँ पर इस पर्सन की आपसे नज़र चार हुई थी, इस पर्सन को आपसे प्यार हुआ था, आपकी ब्यूटी पर मर मिटा था, या फिर आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि इस पर्सन का ध्यान आप पर से हट नहीं रहा था और आपको भी इस पर्सन से प्यार हो गया था। शायद आप दोनों का पहला प्यार है, ऐसा ही आपको लगा था। पर यहाँ पर आपकी तरफ से पहला प्यार हो सकता है, पर इस पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई थर्ड पार्टी थी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आप दोनों के रिश्ते में है ना, वो बहुत पहले से थी। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने अपना प्यार थर्ड पार्टी को भी पहले ही ऑफर किया था, आपसे मिलने से पहले ही
ये पर्सन उस इंसान को दिल दे बैठे थे और उस इंसान को ये पर्सन बचपन से जानते थे, ऐसा लग रहा है बचपन से ही उस इंसान के साथ इस पर्सन का जिस तरह का बिहेवियर रहा है, इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स रही हैं, हो सकता है उस इंसान ने इस पर्सन के ऑफर को ठुकरा दिया हो, इस पर्सन की फीलिंग्स की कदर ना की हो, किसी और को अपने लिए चुन लिया हो, शादी कर ली हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को छोड़कर जाने वाला इंसान इस पर्सन की वैल्यू ही नहीं करता था, उस इंसान की नज़र में इस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई प्यार नहीं था और आपके पर्सन की तरफ से ही प्यार था। तो ये वन साइडेड लव हो सकता है आपके पर्सन का, पर अब जब वो इंसान रिटर्न इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस आया है, इस पर्सन से मुलाकात की है, तो अब ये प्यार फिर से उस इंसान के लिए इस पर्सन के दिल में जागने लग गया है, वही फीलिंग्स वही प्यार फिर से उमड़ने लग गया है। इसीलिए ये पर्सन अब आपके साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद आपको चीट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो म्यूचुअल एनर्जी में हमारे पास कार्ड है ना, 7 of Swords and 3 of Pentacles, तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब से ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हुए हैं, तब से ये पर्सन आपको चीट करने लगे हैं, आपके साथ धोखा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ साथ उस इंसान के साथ में भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि उस इंसान की वजह से आपका घर ख़राब हो रहा है और ये इंसान ख़ुद भी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि ये इंसान जिस चीज़ की तमन्ना कर रहा है वो इंसान तो इस पर्सन को पहले ही ठुकरा चुका है, इस पर्सन की ऑफर को बार बार रिजेक्ट कर चुका है, इस पर्सन की फीलिंग्स की, इस पर्सन के इमोशंस की जब उस वक्त उस इंसान ने कदर नहीं की, तो अब कैसे करेगा। और आपके पर्सन के सर पर तो ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के प्यार का जादू चल चुका है, अब ये पर्सन किसी की नहीं सुनने वाला। इस पर्सन को ना, मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं चीट कर रही है, आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, तो थर्ड पार्टी इस पर्सन को चीट कर रही है। इस पर्सन की लाइफ में उस इंसान का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके पर्सन को आपके साथ में खुश देखा नहीं गया उस इंसान से, इसलिए वो रिटर्न वापस आया है। चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों को अलग करने का जो इरादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, उस इरादे में अगर वो इंसान कामयाब रहा तो आपका पर्सन खाली हाथ रह जाएगा। ये पर्सन ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं उस इंसान की वजह से हो रही हैं, पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह अगर वो इंसान है ना, अगर ऐसा है, सच में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, ऐसा ही हो रहा है आपके साथ, तो यहाँ पर ये इंसान जो भी है ना, ये पर्सन भी खाली हाथ रह जाने वाला है। वो इंसान इस पर्सन को आपसे अलग करके ख़ुद भी इस पर्सन को अकेला और तन्हा छोड़कर जा सकता है। यहाँ पर एक इंसान है जो भागता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरह का खेल ये पर्सन आपके साथ खेल रहे हैं ना, जो कुछ ये आपके साथ कर रहे हैं, जो दगा जो धोखा जो चीटिंग ये पर्सन आपके साथ कर रहे हैं ना, रिटर्न इस पर्सन को वही सब मिलेगा। इस पर्सन का कर्मा लौट कर इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को तन्हाई, जुदाई और आंसू देकर जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपके लिए यहाँ पर ये गाइडेंस आती हुई नज़र आ रही है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको अपने कान और आंखें खुली रखनी है, जो कुछ भी हो रहा है उससे अनजान नहीं रहना और अपने लिए और अपनों के लिए अपनी लाइफ को किसी एक ऐसे पर्सन के लिए ख़राब नहीं करना जो इंसान आपके साथ लॉयल ना हो। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके बस, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।